हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन क्यों मिले आपको, क्या प्रॉब्लम थी, ये जो समस्या आप डील कर रहे हो, क्या ये इसी लाइफ से है या पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा कुछ लेना देना बाकी था, क्या प्रॉब्लम थे, क्या ब्लॉकेज थे और आपका पास्ट कैसा था। मैं अब आपके इमीडिएट पास्ट में नहीं जाऊँगी, मैं बहुत ही पिछले वाला जो पास्ट था ना, डीप वाला पास्ट, वो पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, गाइडेंस क्या रहेंगी आपको, इस इन सारे मुद्दों के ऊपर आज मैं जाऊंगी। रीडिंग हमेशा की तरह ये भी बहुत लंबी होने वाली है, सो अपना टाइम निकाल कर बैठिएगा और सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है गाइस ये सभी के लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा आपके पास्ट में भी जाऊंगी, पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा है, कुछ जुड़ा है, हम हमेशा जुड़ते हैं कि कुछ लाइफ साइकिल, कुछ अनफिनिश बिजनेस है, कुछ कर्मा बाकी है, तो वो क्या कर्मा है, क्या बाकी है, ये थोड़ा ना डिटेल जाने की कोशिश करूँगी। ये मैं आकाशिक रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। आकाशिक रिकॉर्डिंग क्या होती है ना कि पास्ट में जाकर क्या हमारे मुद्दे थे, क्या मसले थे, वो थोड़ा डिटेल सेशन होता है आकाशिक रीडिंग का, कि जहाँ पे पास्ट लाइफ में ऐसा कौन सा कर्मा आपका बाकी रह गया था, क्या कर्मा नया बन गया था जिसके चलते आपको इस लाइफ में ये चीज़ें इस पर्सन के द्वारा हो रही है, ये ट्रिगर मिल रहे हैं, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि समस्या इस लाइफ से जुड़ी हुई बहुत कम होती है, मैक्सिमम समस्या ये पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। हम बोलते हैं ना कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें पास्ट से जुड़ी होती है, कि पास्ट में कुछ हुआ है चीज़ें जो अभी आपको उनको रिफंड करना बाकी है या फिर इनसे रिगेन करना बाकी है, बट ये लोग देने के बजाय फिर से लेने पर आ जाते, तब चीज़ें या तो ख़राब होती या फिर उनका हमारा उनका उनके उनके लिए देना कुछ बाकी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल और डिस्कशन करने वाला ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम कभी जाएंगे। अभी इस वक्त मैं तकरीबन 5 टॉपिक लेके आई हूँ, तो 15 मिनट भी बोलेंगे तो ये जाएगी, बहुत लंबी रीडिंग जाएगी हर टॉपिक के ऊपर। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं अपने पर्सन को कंसिडर करके, तो पास्ट लाइफ के ऐसे क्या कर्मा थे उनके कि जिसकी वजह से इनको ये चीज़ें झेलनी पड़ी और इनके साथ ये चीज़ें आ गई। तो पहले मैं यहाँ पे उनका क्या डिसएडवांटेज था और वो क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जानने की मैं कोशिश करूँगी। पास्ट लाइफ के क्या इश्यू थे और आपको क्या सीखना ज़रूरी है, आपको इस लाइफ में क्या लेसन लेने ज़रूरी है, तो ये भी मैं देखूँगी। तो इससे मैं स्टार्ट करूँगी और इससे मैं एड करूंगी। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके उनके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से इनको ये चीज़ें इस लाइफ में भी झेलनी पड़ रही है, प्लीज़ बताइए। ट्रॉमा, ट्रॉमा तो आपके पास्ट लाइफ के ही चल रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ में जो कर्मा लेके आए हैं, तो किसी का बहुत ज़्यादा स्वार्थ, सबसे बड़ा ज़्यादा किसी का बहुत बड़ा स्वार्थ। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ इश्यू क्या क्या थे सब देखेंगे, कार्ड बहुत आ गए हैं तो सारे के सारे मैं रीड करूँगी। तो ट्रॉमा, पास्ट लाइफ के इश्यू क्या थे ना, ट्रॉमा बहुत थे, ट्रॉमा किस वजह से रहे होंगे आपके, कि यहाँ पे रिलेशनशिप से ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा पास्ट लाइफ में भी मिले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, पास्ट लाइफ की जो प्रॉब्लम अनसॉल्व बिजनेस वो हो गया आपका, और वही कर्मा इस लाइफ में भी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। मीन्स आज के लाइफ में अगर आप किसी ट्रॉमा से जा रहे हो, थर्ड पार्टी के वजह से हो सकते हैं या फिर किसी के चीटिंग, किसी के धोखाधड़ी की वजह से हो, अगर आप झेल रहे हो और ये चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, आप सब करके थक गए बट चीज़ें खत्म नहीं हो रही, क्योंकि वो कुछ अनरिजॉल्व आपका बिजनेस था या फिर अनरिजॉल्व आपका कर्मा था, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आपके पर्सन का जो नेचर है ना इस लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, एनालिटिक है, तो ये पर्सन पास्ट लाइफ से ही इनका ऐसा नेचर रहा है,
जिसको हम किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोलते हैं, हम एम्परर की एनर्जी बोलते हैं। ऑनेस्टी नहीं रही है इस पर्सन से आपको, उन्होंने हमेशा सही सीधी बातों को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड प्रॉब्लमेटिक बना दिया था आपके पर्सन ने। वो कुछ ट्रॉमा वाली बात चल रही थी रिलेशनशिप में। अब सारे एंगल समझ में आते हैं, अब ट्रॉमा कहाँ से हो सकता है, पर्सन से बिहेवियर से लेकर थर्ड पार्टी धोखाधड़ी चीटिंग तक, हर एंगल से ये ट्रॉमा दिख रहा है जो पास्ट लाइफ के आपके इश्यूज थे। और आपके पास्ट लाइफ के क्या इश्यूज थे, इनजस्टिस अन्याय तो आपके लाइफ में पास्ट से ही उजड़ा आ रहा है, और ये आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। कुछ करने की आपको ज़रूरत है, वो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो अनरिजॉल्व बिजनेस जो मैंने बोला था, अनसॉल्व आपका कर्मा मैं बोल रही हूँ, तो वो अभी भी चल रहा है। सिर्फ इसी लाइफ की बात नहीं है, पास्ट लाइफ से चली आ रही है। अब ये हो सकता है कि या तो आपने पास्ट लाइफ में आपके पर्सन को सेम ट्रॉमा एंड इनजस्टिस किया हो, और जो आपके ऊपर कर्मा बन गया इनका और आपको वो सॉल्व करना है, या फिर पास्ट लाइफ में ही आप जब तक आपके ऊपर हुए अन्याय को ख़त्म नहीं करते तब तक ये आपका अनफिनिश बिजनेस रहेगा। यूनिवर्स का लॉज भी ऐसा ही होता है गाइस, जब तक हम उसी पर्सन के साथ जुड़ा हुआ हमारा हर अन्याय हर लाइफ का ख़त्म नहीं करते तब तक ये लाइफ साइकिल वैसे चालू रहता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ बोला जा रहा है, आपके पास से पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। और इनजस्टिस किस किन किन मामलों में हुआ होगा, देखिए सबसे पहले तो रहा कि आपने जब जब किसी भी फैमिली में जन्म लिया, वो काफ़ी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल रही होंगी, रूल अबाइंडिंग ऐसा कुछ रहा होगा, कंजर्वेटिव रही होंगी, जैसे कि अपने मूल्य अपने तत्वों पर ही रहना। फिर वहाँ पे प्यार इमोशंस इनकी कोई गुंजाइश नहीं रही थी, और ये अन्याय रहा है आपके ऊपर, मीन्स आपने पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन से प्यार हुआ हो, बट आपकी फैमिली काफ़ी रूढ़िवादी रही है, परंपरावादी रही है, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजिडिटी थी आपके रिलेशनशिप में, और आप चाह कर भी उसको फेस नहीं कर पा रहे थे। और ये चीज़ें आपके लाइफ में आज भी है, लोग आपको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, आपका हर उनका हर फैसला आपके सर चढ़ा देते हैं, और आप इनको अपोज भी नहीं कर पाते हैं। ये एक तरह का अन्याय हो गया कि लोगों की बात सहन करना, चीज़ों को बर्दाश्त करना, तो ये एक तरह का अन्याय हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, कोई रिलेशनशिप आपका बना ही नहीं, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप बना भी हो तो किसी की इतनी रूढ़िवादी सोच के कारण उस रिलेशनशिप में आपको कोई स्टेबिलिटी मिली नहीं, वैल्यू मिली नहीं, और आप हमेशा अपने वैल्यू अपनी स्टेबिलिटी अपने स्टेटस के लिए पास्ट लाइफ से ही चीज़ें स्ट्रगल करते रहे। तो अन्याय हर तरीके से हर एंगल से आपके ऊपर पास्ट लाइफ से अन्याय या तो हुआ है, आपने किया है तो आपको वो पे करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया है तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हम एक ही सेटेंस को नहीं कंफर्मली बोल सकते हैं। जब आप पर्सनल सेशन लेंगे तो शायद चीज़ें और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन की भी बात यहाँ पे पास्ट लाइफ इश्यूज में आ रही है, तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ ये जो चीज़ आपसे जुड़ी है प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ये पास्ट टू पास्ट लाइफ से जुड़ी है। मीन्स पता नहीं कितने जन्मों से ये चीज़ें आपके साथ हो रही हो और आपने वो चीज़ें कभी कवर ही नहीं की हो। इश्यूज को कभी समझे ही नहीं, चीज़ों के डीप में जाए गए नहीं, आपने हर चीज़ कभी स्किलफुल तरीके से सॉल्व ही नहीं की, और चीज़ें लूप के ऊपर लूप, जन्म के ऊपर जन्म बढ़ते चले गए, और जितने जितने जन्म बढ़ते चले गए वैसे वैसे ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बोल रही हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन, उनकी लूप भी बढ़ते चले गए। डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चीज़ों को हम बोलते हैं कि भाई ये साउंड्स वेरी डिप्लोमेटिक, ये या तो आपके पर्सन पास्ट लाइफ से जुड़े आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में इनसे कुछ ऐसा बिहेवियर किया है। बट आप ना ले भी कुछ आए हो पास्ट लाइफ से, आप काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें भी लेके आए हो, जैसे कि गुड लिसनर की क्वालिटी आपको पास्ट लाइफ से मिली है, आप लोगों में समझौता बड़े अच्छे से करते हो, शायद ये क्वालिटी आप में है।
आपके साथ जुड़ने वाला हर कोई रिश्ता बहुत कंपैशनेट बहुत जल्द हो जाता है। बट हर बार झगड़े के ऊपर मिट्टी डालना सही नहीं होता है, क्योंकि हमें झगड़े बढ़ाने नहीं होते। दैट्स वाई हम चलो जाने देते डालते हैं, मट्टी डालते हैं, बट हमेशा मट्टी डाल के चीज़ें सॉल्व नहीं होती। कभी कभी लाइफ में मोर क्लैरिटी चाहिए, लाइफ में उसको हैंडल करने के लिए। परफेक्शनिस्ट आपको होना चाहिए। प्रॉपर्टी इशू आपके पास लाइफ से जुड़े आ रहे हैं, शायद प्रॉपर्टी में आज भी आपका झगड़ा हो रहा है, लॉज हो या फिर कुछ भी रिलेटिव्स, तो उनकी वजह से आपको रिलेशनशिप में काफ़ी आपके रेड फ्लैग्स आपको झेलने पड़ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी इशू आपके पास लाइफ से चले आ रहे, डिस्प्यूट्स, लॉसेस, ये चीज़ें आपसे पास लाइफ से जुड़ी हैं। इस लाइफ में आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम ये रही है कि, और ऑब्सेसिव जब आप हो जाते हो तो आपसे हमेशा गलतियाँ होती रहती हैं और हमेशा आपको हारने का डर होता है। तो ये चीज़ें नहीं है, देखिए आप में ये चीज़ें रही है कि आपको लोगों का अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई अटेंशन ना दे, आपको प्लीज़ ना करे, तो आपसे बहुत चीज़ें खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें अपने आप में एक हैंडीकैप ही बना देती है। सो आप इनके ऊपर जितना जल्दी हो सके काम करें तो अच्छा रहेगा। हमेशा पॉजिटिव काम करते रहो, पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपनी आवाज़ उठाओ, तो वाइब्रेशन भी आपको वही पॉजिटिव ही मिलेगी। इस तरीके से इश्यूज़ आपके क्या रहे होंगे ना, वही मैंने बोला था प्रॉपर्टी इश्यूज़, ये चीज़ें मैंने बोली थी। दूसरे का है साइकिक एबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे इश्यू में तो नहीं बोलूँगी, आई थिंक साइकिक एबिलिटीज़ आपको पास्ट लाइफ से ही मिली है। इस लाइफ में ये तो मुझे इशू की नहीं, ब्लेसिंग की तरह ये लगती है कि आपको लोगों के अंदर क्या चल रहा है, उनके क्या इंटेंशन से आपको लेकर, ये आप बड़े अच्छे से समझ जाते हो। बट एक क्या बात होती है ना कि जो लोग साइकिक होते हैं वो और ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, और वो बहुत जल्द लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और आपकी जो साइकिक पावर है ये अदर लोग यूज़ कर लेते हैं। ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है आपके साथ चीज़ें। बहुत डीप थिंकर आप होते हो, बड़े न्यूट्रल माइंडसेट से आप हर चीज़ों का फैसला लेते हो, पीस में रहते हो, बहुत स्ट्रांग पावरफुल और आपका होता है। बट आपकी प्रॉब्लम ये रही कि आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग अपने, अगर आपको मैनिपुलेशन करना हो तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता होगा, थोड़ा इमोशनल सेंटी आपके सामने हो गए तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है डीप थिंकिंग आपके लिए, और ये प्रॉब्लम भी, वीकनेस भी आपकी हो सकती है। डीप थिंक करने अच्छी बात है, बट उसके ऊपर ओवर थिंक करना, तो ये चीज़ें आपको वीकनेस में डाल देती हैं। डिटैच करना, आपको लोगों को डिटैच करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, बट जब तक आप डिटैच करेंगे नहीं, मीन्स अटैच ही रहेंगे, तो उतने लोगों का बोझ आप अपने ऊपर ही लेके चलते रहेंगे, और उसे लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं प्रैक्टिकल मैटर्स में। दूसरा आपका पास्ट लाइफ के इश्यूज में करियर के ऊपर भी चैलेंजेस आए हैं। करियर में मुझे लगता है करियर और प्रॉपर्टी, इन दोनों चीज़ों में मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ना को बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपसे ना पास्ट लाइफ से ही चली आ रही हैं। और ये करियर चैलेंजेस जो रहे हैं ना, उसके लिए काफ़ी लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, कैसे रहना है, इन चीज़ों के ऊपर आपको खुद ही काफ़ी कैचें मारनी पड़ी थी। आपने अपने करियर डेवलपमेंट के लिए उतना पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं किया हो अपना खुद का, और जिसके वजह से आपको, क्योंकि होता है हम प्रोफेशन करें तो उसके पहले भी काफ़ी अपने अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, सारे स्किल्स हमें एनहांस करने पड़ते हैं।
शायद आप बिना तैयारी के बहुत कुछ करते गए थे, इसीलिए आपको करियर में हमेशा फेल्योर मिला हो या फिर लोगों ने आपको ठगा हो। स्किल डेवलपमेंट आपकी नहीं थी, अपने खुद में भी कोई डेवलपमेंट नहीं करी थी, और शायद इस लाइफ में भी आप बिना तैयारी के कुछ करना करने के लिए चाहते हो, तो ये चीज़ें आपसे होती नहीं है। या तो पहले से डर है आपको आपके मन में कि आपको फेल्योर ही मिलेगा, या फिर अगर कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ बेच बाच कर, तो वो भी खोने का डर के कोई मन में चल रहा है। ये ट्रॉमा, ये चीज़ें अपने आप में आपके लाइफ में ट्रॉमा खड़ी कर देती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग करियर से भी जुड़े आ रहे हैं। पास्ट लाइफ से क्या चीज़ें लेके आ रहे हो ना, पास्ट लाइफ से ये चीज़ें लेके आ रहे हो कि आप बहुत सेल्फिश हो जाते हो। स्टबर्न एटीट्यूड भी आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। आप या तो आप हैं या तो आपके पर्सन हैं। आप देख सकते हैं ऐसा आपके साथ कौन रहता है, कौन आपके साइकिक एबिलिटी का फ़ायदा उठाता है, आपके प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाता है, पैसे का फ़ायदा उठाता है, और सेल्फिश कौन रहता है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। पास्ट लाइफ के इश्यूज आपके नेम हमेशा रहे, चैलेंजेस एंड फेलियर। आपको ये जो चैलेंजेस भी आपने एक्सेप्ट किए बट उसमें आपको फेलियर मिला है, तो ये जो साइकिल चल रहा है आपका, ये पास्ट लाइफ से ही चलना है। और ये आपको क्यों मिला है, चैलेंजेस एंड फेलियर क्यों क्यों मिला है, या तो ये स्टबर्न एटीट्यूड आपका, या फिर आपके वजह से आपको आपके पर्सन की वजह से आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। चैलेंजेस का सामना करने से भी आपको फेल्योर मिला है, क्योंकि आप जिनको डील कर रहे हैं या तो इनका नेचर काफ़ी स्टबर्न था, या फिर आपका नेचर, आप ईश्वर से पूजा पाठ करने वाले पर्सन हैं, पास से ही ये चीज़ें आपसे जुड़ी है, बट किड्स के इशू रहे हैं पास्ट लाइफ से। आपको इस लाइफ में भी किड्स के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है ये चीज़ें आपके। लीगल प्रॉब्लम्स भी रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी इश्यूज एंड इस पैसे को लेकर आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें रही हैं, प्रॉपर्टी को लेकर ही ये लीगल प्रॉब्लम, या तो लॉ की ओर से या फिर कहीं और से, बट ये चीज़ें आपके पास लाइफ से चली आ रही है कि आपको खुद के हक के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, आपके साथ हमेशा अन्याय होता है, और आपको आपकी साइकिक एबिलिटी के कारण आपको पता होता है कि आपके साथ आगे क्या होता है, क्योंकि जिनसे डील करते हैं वो लोग अक्सर काफ़ी सेल्फिश प्रो हो जाते हैं। आपके लाइफ पास्ट लाइफ से ही काफ़ी चैलेंजेस एंड फेल्योर से भरी पड़ी है, और मुझे लगता है या तो बच्चों के लिए आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, लाइफ में संघर्ष करना पड़ा है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके प्रॉपर्टी किसी ने ठग ली थी, और ऊपर से बच्चों की भी प्रॉब्लम रही है। डीप इमोशनल बॉन्ड, आप काफ़ी पास से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये चीज़ें आज की घड़ी में आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक फील करती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये चीज़ें पास्ट लाइफ से आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, इमोशंस और डीप थिंकर ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी गई। तो चलिए देखते हैं ये पास्ट लाइफ से ये सारी चीज़ें, सारी समस्या आप लेके आए हो। अब मैं देखती हूँ के साथ है आपका पास्ट, ये फटाफट अभी देख लेती हूँ, तो ऑलरेडी 20 मिनट की रीडिंग ये हो गई। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल प्लीज आइए, मुझसे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका डीप पास्ट क्या था, नॉट इमीडिएट पास्ट, आई वॉन्ट टू नो डीप पास्ट, क्या हुआ था इनके साथ प्लीज बताइए, प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों के साथ क्या हुआ था, बहुत उनके गहरे पास्ट में क्या हुआ था। यहाँ पे किसी का डिवोर्स हो गया है पास्ट में ही पर्सन के साथ, फैमिली बहुत अच्छी थी, सोलमेट के साथ आपकी शादी हुई थी, या तो या आपके रिलेटिव्स के में ही शादी हुई है, या फिर आपके कॉलेज फ्रेंड या फिर बचपन के फ्रेंड इनके साथ आपकी शादी हो गई थी, बट यहाँ पे बॉन्ड काफ़ी अच्छा था, अब दोनों का प्यार बड़ा अच्छा था, फैमिली बड़ी खुशनुमा थी, आपकी फैमिली में बहुत अच्छा हेल्दी एंड वेल्दी आपका क्लाइमेट था। आपको जिन्होंने अप्रोच किया था, आपके सोलमेट ने आपको प्रपोज किया था और फिर आपके साथ शादी भी करी थी, बट ये जिनसे डील कर रहे हो सकते हैं उम्र में छोटे हैं, लाइफ बड़ी अच्छे से कट रही थी, बट सडनली आप दोनों की रिलेशनशिप में
कुछ ऐसे झगड़े हो गए कि जिससे इस पर्सन ने रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दिया और ये आपको छोड़कर चले गए। अब मैं देखूंगी ऐसा क्यों हुआ। इतनी अच्छी फैमिली चल रही थी। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप 7 ऑफ कप। अब जिनसे डील करते हैं या तो ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड थे, स्टक थे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा था क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में स्टक थे। अगर आप इस पर्सन के साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में हो तो आपके या आपकी जॉइंट फैमिली शायद और लोग काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर। इनके सिबलिंग, इनके भाई, इनके बच्चे, इनकी माता जी, बहन, बहन के बच्चे, ऐसा बहुत बड़ा परिवार दिख रहा है मुझे। किसका स्टक थे आपको ऐसा लगा था कहाँ पे फंस गई मैं अगर इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा हो तो दोनों की ओर से जो जो ऑप्शंस आते थे जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्टकनेस आई थी। यहाँ पे किसी का कोई लीगल मैटर में ही फंसा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली ऑप्शंस कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप एक लीगल मैटर तक कोर्ट तक चला गया था। या मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके लाइफ में जो ऑप्शंस थे उन्होंने कोई केस आपके ऊपर कर दी या फिर आपके पर्सन के ऊपर कर दी क्योंकि इन्होंने एक फैमिली रिलेशनशिप आपके साथ बना दिया। 6 ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। 10 ऑफ कप। हाँ जी, आपका फैमिली में सब कुछ अच्छा था, इनिशिएट किया था मुझे। आपके फैमिली में आपके पर्सन के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी। ट्रू अनकंडीशनल लव आप दोनों में था, इनिशिएट हुआ था। भले लाइफ में ऑप्शंस कितने भी हो, ऐसा लगता था कि जो कोई भी देखता था कि रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए, बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे, आप और आपके पर्सन। बट बाद में यहाँ पे 9-9 की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है जब मैं बात कर रही हूँ 9 महीने पहले की बात है या फिर 9 साल पुरानी बात है। ट्रस्ट इश्यूज आने लग गए आपको, आपके पर्सन का उसके बाद सडनली एक रवैया बदल गया और ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इनका अपने में ही इन्वॉल्व रहना, अपने बदमाश रहना, ये सारी चीज़ें, सारे एटीट्यूड आपके मन में शक लाती गई। या फिर अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में आती गए, आप अपने इंडिपेंडेंट आप जितने बन गए पास्ट लाइफ में, जो आगे पीछे घूमने वाला पर्सन, गिड़गिड़ाने वाला पर्सन, 4 बार सामने हाथ फैलाने वाला पर्सन, अगर सडनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने लिए कुछ चीज़ें करता है, सेल्फ लव में आता है, अपना हुलिया बदलता है, तो ये चीज़ें देखकर आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज हो गए। मीन्स आपके पर्सन आपके ऊपर शक करने लगे। अगर वाइस वर्सा एनर्जी अगर रिफ्लेक्ट होती है, अगर आपके पर्सन ऐसे करते थे तो शायद आप दोनों, आपको आपके पर्सन को लेकर काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे। नेट आपको क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट, आप आपके पर्सन को एक दुआ की तरह समझते थे। आपको ऐसे लगता है कि ये वही पर्सन है जिससे आपका जन्म जन्म का प्यार है। ये पास्ट लाइफ का ही का पर्सन है जो आपके साथ, ये जो रह गया था उसका पास्ट लाइफ का जो कुछ बाकी कर्मा था या फिर कुछ रह गया था, विश रह गई थी, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए यही आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको इस लाइफ में मिला। जो मिलने के बाद आपको, आपकी भी अंतरात्मा अंदर से आपको बोलती थी कि ये वही पर्सन है जिसकी मैं विश फुलफिलमेंट कर रही थी, जिसकी मैं विश कर रही थी। अपने लाइफ में मुझे ये पर्सन मिला, ये किसी ब्लेसिंग की तरह ही मुझे मिला। और आप इस पर्सन से एक सोल कनेक्शन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि देख के ही लगता था, मिलते ही लगता था कि ये सिर्फ इस लाइफ के बात नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग मिले, जैसे कि सोल का सोल के साथ मिलन। ऐसा इतना गहरा रिश्ता आप अपने पर्सन को लेकर समझ रहे थे। मैं जिनकी बात कर रही हूँ ये हो सकता है यहाँ पे हाई वाइब्रेशनल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की बात मुझे लगती है। ये कोई ट्विन अपने आपसे मिलने वाला पर्सन या आपका ट्विन रहा हो जो ऑलरेडी मैरिड हो। मेरे फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए। ये आप भी मैरिड हो सकते हैं बट हाई वाइब्रेशनल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की तो बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हेरोफेंट की बात आई है। हो सकता है आप जब आपसे मिलने से पहले आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हुई है और ये जो थर्ड पार्टी के एंट्री जैसे हो गई जिसके कारण आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर दिया और उन्होंने अपनी शादी को चॉइस कर लिया क्योंकि उन्होंने कुछ एक प्रैक्टिकल माइंडसेट बना लिया था। बिल्कुल भी इमोशंस ना होकर, इमोशंस को साइड ऑफ करके आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया और उन्होंने अपने फैमिली को चॉइस कर दिया और आपसे हो गया ब्रेकअप।
और या फिर हो सकता है कि आपके मिलने के बाद अगर इस पर्सन ने शादी की है तो शायद आपके पर्सन उनके फैमिली के सामने ज़्यादा अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने अपनी फैमिली की बात मान ली और रिश्तेदारी में ही किसी के साथ शादी कर ली। फाइव ऑफ सोर्स की बात बताइए जी। फाइव ऑफ सोर्स कप रिफाई कर रहा है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ कप। और देखिए बात यहाँ पे आ रही कि झगड़े मिटाने की आपने कोशिश बहुत की, पास में हीलिंग भी ली ताकि इस पर्सन के साथ आपका वापस रिश्ता शुरू हो जाए। दूसरी बात मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपसे झगड़ा कर लिया और आपसे बातें नहीं करते थे, तो इन चीज़ों ने आपको तोड़ के रख दिया। उसके बाद आपने अपना जो रुख है स्पिरिचुअलिटी की ओर किया, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए क्योंकि आपको लगता था कि शायद स्पिरिचुअलिटी ही आपको बैलेंस कर सकती है। और आप जैसे कि सेल्फ लॉ में आने की आपके पास में एनर्जी चली गई, जो सच में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड अपने अंदर उसने काफ़ी बदलाव लाए उनके लिए बात है। दूसरी बात यह है कि आप दोनों में झगड़े की वजह एक सीक्रेटिव पार्टी, ऐसी एक सीक्रेटिव फिश एनर्जी मुझे लग रही है कि जिसका आपके पर्सन के लाइफ में एंट्री हो गई, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो गई जो हिडन थी, जो सीक्रेटिव थी, जो आपको पता नहीं था, बस आपकी इंट्यूशन थी कि ऐसा कुछ आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, जो इंट्यूशन आपकी सही भी थी। डेथ की बात बताइए जी। डेथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपके पर्सन से, बट मुझे लगता है इन्होंने कर दिया था आपके साथ रिलेशनशिप में। बट अगर आपने पास्ट में हीलिंग की है तो उसका फल भी आपको मिला है। आपको आपके लिए आपके साथ आपके पर्सन ने फिर से शादी शादी के लिए एक प्रपोज तो किया या फिर अपना लव इन्होंने एक्सप्रेस किया। दूसरी बात ये कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ही एंड कर दिया था तो मुझे लगता है आपके लाइफ में ही, मुझे पास्ट में ही दो पर्सन आए थे जिसमें से एक आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट था जो आपके लिए सही था। एक पर्सन था जो काफ़ी मनी माइंडेड था, अभी आपका वही पर्सन हो सकता है जो ब्रेकअप करके गया है, और जो आपको जो पर्सन नया मिला ये आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट है। अब आप अगर आप अपने सोलमेट के साथ ही पहले से रिश्ते में थे तो इन्होंने रिश्ता तो एंड कर लिया था क्योंकि ये एंड वक्त एंड मौके पे ये काफ़ी सेल्फिश स्वार्थी हो गए। तो रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, ये आपके ट्विन क्यों ना हो, या आपके सोलमेट क्यों ना हो, बट वक्त आने पर हर कोई अपने लिए सोच ही लेता है। जहाँ पे यहाँ से खुद ईश्वर भी नहीं छूटे जब उनको चूज़ करने की बारी आई कि या तो कर्मा या फिर प्यार, तो उन्होंने कर्मा ही चॉइस कर लिया था क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका मेन जो मोटो है दैट इज़ ओनली कर्मा, कर्मा एंड मटेरियल गेन, कर्मा एंड मटेरियल लाइफ। यहाँ पे जिसने जितना मटेरियल गेन बना लिया उसको लगता है काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है, जिसने जितना पैसा कमा लिया, जिसने जितना बड़ा बंगला कार मोटर जिसके पास है उसको सक्सेसफुल माना जाता है। सक्सेसफुल की सही डेफिनेशन मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर ये समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में ही क्या हो गया ना कि आपके पर्सन ने भी यही कर लिया था, ये कितने भी अच्छे क्यों ना हो बट उन्होंने एक मनी माइंडेड होकर एक डिसीजन ले लिया था, आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया था। अगर आपने इस पर्सन को ही पाया मांगने के लिए हीलिंग की थी किसी से, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं वापस दोबारा। ये एक्स भी की भी एनर्जी आई है और नेक्स्ट की भी एनर्जी आई है, और जब ये आपसे मिले तो शायद कभी लेट गो नहीं कर पाए। बट कोई नया वाला पर्सन अब आपका हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा हो और इस पर्सन ने आपको काफ़ी धोखे नहीं बोलूँगी बट इन्होंने बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए मजबूर किया और शायद आपकी कैपेसिटी के बाहर चीज़ें चली गई थी। तो यहाँ पे एक विजडम होकर आपने शायद डिसीजन ले लिया था कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे या फिर इस एंड हुई रिलेशनशिप को स्टार्ट तभी करेंगे जब कोई क्लैरिटी मिली। तो किसी किसी को क्लैरिटी मिली, किसी किसी ने रिश्ता ही नए पर्सन से स्टार्ट कर लिया, जो उनको हो सकता है उनका बचपन का फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि सोलमेट होते हैं तकरीबन 14 सोलमेट हमें लाइफ में मिलते हैं। अगर हो सकते ट्विन फ्लेम जर्नी पे है तो ट्विन भी मिलता है, सोलमेट मिलते हैं, दो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं और बच्चे कुछ कार्मिक होते हैं जिनका हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि इस लाइफ में हम इतने लाइफ में जितने हमारे कार्मिक थे उनके साथ हम अपना कार्मिक कॉट कट कर देंगे, अपना कर्मा क्लींस कर देंगे, ये हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं। तो ऐसे में ट्विन तो मिलता है एक है और
हर कोई आपका काउंटर पार्ट भी हो या फिर आप भी हो, पता चल जाता है कि यही मेरा ट्विन है। बट होता है कि दोनों की एनर्जी एक समान होने के कारण एक्सेप्ट नहीं करते, या तो ईगो क्लैश हो जाता है या फिर रनिंग चेसिंग, या फिर उस एनर्जी का सामना नहीं कर पाते, ट्रिगर करते दोनों एक दूसरे को। बट सोलमेट यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक सोलमेट की बात करती हूँ तो बाद में मिलने वाला पर्सन भी ये सोलमेट की एनर्जी है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही थी, आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये बातें बोल दी। एट ऑफ कप टेरिफाइड बाय टू ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस। अगर इनकी कहीं और शादी हो गई थी तो मुझे लगता है कि इन्होंने वहाँ पे जाना मुनासिब समझा समझा। बिकॉज़ क्या है ना कि जब यहाँ पे किसी किड की वजह से इनका डिवोर्स होते होते रह गया, बच्चों की वजह से, और इन्होंने आपको सब अटैच कर दिया। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, अगर इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप है, तो हो सकता है बच्चों के खातिर ही वापिस आ गए। जो डिवोर्स देने की बात कर रहे थे वो टल गया, शायद बच्चों की वजह से आपके लाइफ में दोबारा आ गए। अब देखते हैं प्रेजेंट क्या चल रहा है आपका। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनकी रिलेशन उनके मेरे दर्शकों का प्रेजेंट अभी इस वक्त क्या चल रहा है। अब रिलेशनशिप भी बोला तो शायद हो सकता है वो भी ना जा जाए। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी बैलेंस है गाइस। हाँ, आपके ऊपर वर्कलोड चल रहा है बट आप वो खुशी खुशी निभा रहे हो। बर्डन बहुत है, ड्यूटीज़ बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है आपकी अभी इस वक्त। बट फोर ऑफ हैंड्स, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है आज की एनर्जी में। टेन ऑफ पेंटेकल, आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ट्विन कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है पूरा बर्डन उठाएगा, वो वापस आ जाएगा। एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन, टू ऑफ कप, यहाँ पे मेरी एनर्जी में आज ना ट्विन की भी एनर्जी आ रही है, सोलमेट की भी एनर्जी आ रही है। मैजिशियन, यहाँ पे हीलर है, जस्टिस, न्याय मिला है आपको आज की कंडीशन में। आप तो बहुत पावरफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में, बैलेंस कर ली है आपने लाइफ। अगर आपकी भी लाइफ में दो दो रिलेशनशिप में, मीन्स अगर आप भी कहीं और मैरिड है और जो आपको मिला है ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस पर्सन के साथ, तो मुझे दोनों बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वो भी रिलेशनशिप मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पर्सन के जो लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है या फिर चीज़ें खराब रही हैं, बहुत आपको रिलेशनशिप, इमोशंस, इकोनॉमिक एंड स्टेटस सब बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आज के कंडीशन में, क्योंकि आप हर एंगल से सोच रहे हो कि आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ रहा होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको इतना ट्रिगर कर, इतनी प्रॉब्लम दे रहे, जो जो कि मैंने पास्ट लाइफ इश्यूज़ में भी जाना है। आप एक एक अगाड़ी पे आप वो भी संभाल रहे हो, दूसरी अगाड़ी पे आप बच्चों का भी देख रहे हो, अपने स्टेटस को भी संभाल के रख रहे हो समाज के सामने, उसको आप ज़रा भी दाग नहीं लगने दे रहे हो। और एक टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में संभालते संभालते अगर आपको अपना ट्विन मिल गया है या फिर सच्चा साथी, सच्चा सोलमेट मिल गया है सपोर्ट के लिए, तो आप वो भी रिश्ता बड़े आसानी से, बड़े आराम से बैलेंस कर रहे हो। और अगर इस पर्सन के साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में है तो एक इस रिलेशनशिप के ऊपर स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन रहना, हेल्थ इश्यू रहना, वो सारी चीज़ें संभालते हुए आप अपनी लाइफ को बड़े आसानी से बैलेंस कर रहे हो। मीन्स वही ऐसे एक हस्बैंड को भी या फिर वाइफ को संभाल रहे हो, बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल रख रहे हो, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हो, अपनी जॉब भी देख रहे हो, आपका काम भी बड़ा है, शायद आपका प्रमोशन हुआ है या फिर हाल ही में आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है वर्क से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो गुड न्यूज़ मिलने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है और वो आप बड़े आसानी से कर रहे हो। इस वक्त अगर आपको कोई बोले कि आप एक दिन में पहाड़ चढ़ के बताओ तो शायद आपने इतना हौसला है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप वो कर दे। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल एनर्जी में है, हैप्पी हेल्दी विद इन अबंडेंस लाइफ मुझे आज के घड़ी में दिख रही है। ऐसा नहीं है तो बहुत जल्द आ जाएगा।
जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे आपको बहुत बर्डन कैरी कर रहे थे अगर नौकरी जॉब करियर को लेकर, तो एक अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से आती हुई दिख रही है जो आपका काफ़ी भार हल्का कर देगी, आपका जो लोड है, आपका जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक हल्का कर देगी। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको या तो रिलेशनशिप में या तो करियर में मिली है, नहीं तो बहुत जल्द मिलेगी। क्लेमेट फोर ऑफ पैंट्स को क्लिफाई कर रहा है यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटेकल एंड एम्प्रेसेस, आप जिनसे डील कर रहे हो ये डिवाइन फेमिनिन देख रही है, तो डिवाइन फेमिनिन को उसको अपना काउंटर पार्ट मिल गया है काफ़ी जेलसी के साथ, आपको लेट गो नहीं करने वाला है किसी डिवाइन फेमिनिन अगर ये वीडियो देख रही तो। अदरवाइज आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो यस, आप इस वक्त तो बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन वापस लाइफ में आ गए हैं, आपको लेकर काफ़ी जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं शायद, मुझे लगता है आपकी या तो नेम फेम बड़ी है या तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक एंड मैग्नेटिक है, अट्रैक्टिव है, अप्रिशिएट क्यों करते हैं लोग, या फिर आपका स्टेटस आपके पर्सन से ज़्यादा हाई, तो इस बात को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी और जेलसी आपको लेकर हो सकती है आपके पर्सन को लेकर, बट आपके लिए ये बातें काफ़ी माइनर है, शायद आपको आदत हो गई है। दूसरी बात ये कि ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करेंगे, साथ में आपकी भी एनर्जी ऐसी रहेंगी कि आप आपके पर्सन को जैसे पकड़ के बैठे, अवेयरनेस को पकड़ के बैठे, जैसे कि फैमिली में जो खुशियाँ आई हैं, जो जस्टिस मिला है, उस लाइफ को, उस सिचुएशन को, उस पल को आप पकड़ के बैठे, जैसे कि खोना नहीं है। टेन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी ऐसा नहीं है तो ये फिर बहुत जल्द आएगा। एम्प्रेस यहाँ पे दो बार आया है गाइस, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। फैमिली लाइफ में झगड़े बहुत चल रहे थे बट यहाँ पे बड़ी प्रैक्टिकल वे ने ये चीज़ें आपने सॉर्ट कर ली। आज की घड़ी में भी आपके किसी के साथ झगड़े होते हैं तो वो आप सॉर्ट भी कर लेते हैं, झगड़ों को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, और ऐसा नहीं है तो झगड़े अगर होते हैं तो उनको बढ़ाना नहीं है। एम्प्रेस क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फायर का, अगर आपके पर्सन ने आपको अभी भी डिटैच करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है, आपको आपसे बातें नहीं हो रही है, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, तो देखिए आप तो वैसे आपको किस बात की तो कमी नहीं है, हर एंगल से आपको अवेयरनेस मिली है, हर एंगल से आपको स्टेबिलिटी मिली है, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, बट साथ ही साथ आपके पर्सन को वो लोग भी मिस कर रहे हैं जिन्होंने अब तक आपको अनब्लॉक नहीं किया या फिर बातें आपसे नहीं कर रहे, आपको अभी भी कोल्ड शोल्डर दे के बैठे हैं। अपनी निजी लाइफ में आप तो बड़े सक्सेसफुल हो बट पर्सनल रिलेशनशिप में आप काफ़ी मायूस हो। टॉप पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, जी हाँ यहाँ पे जजमेंट एंड मून, वेट कर रहे हो या तो आप जजमेंट कब हो मेरे साथ, डिवाइन टाइमिंग कब मेरे फेवर में आ जाएगी, क्योंकि इमोशनली आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हो, ये सिचुएशन में जगह करना, बैलेंस करना, चीज़ों को हैंडल करना, थक गए हो जैसे, आप बस अब यूनिवर्स के सहारे बैठे हो, अब यूनिवर्स जो करेंगे वही उसी हिसाब से जाएंगे, सरेंडर मोड पे आप आ चुके हैं, और शायद आपको तभी मेंटल पीस मिली है या फिर तभी आपको मेंटल पीस मिलेगी। टू ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ पैंट्स एंड टेन ऑफ कप एंड फाइव ऑफ कप अगेन यहाँ पे सन। देखिए बच्चों को लेकर आपके पर्सन लाइफ में आए हैं एक ग्रीफ के साथ, एक गिल्ट के साथ आए हैं, इस पर्सन के साथ आपका मिलन भी हुआ है और वो सक्सेसफुल आपकी लाइफ भी चल रही है, अब ये मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी है, बट जिसने गलत किया है वो एक गिल्ट के साथ आपके लाइफ में दोबारा आ गया है या फिर वो बहुत जल्द आने वाला है। आप इनको इमेच्योर समझते हैं, या तो एज में छोटे हैं या फिर मैच्योरिटी इनके साथ सच में बहुत ही इमेच्योर है। तो देखिए मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप, नाइट ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटेकल, आपके लाइफ में आप इमोशंस, रिलेशनशिप हो या फिर फाइनेंस, आप अपनी लाइफ को वैसे ही चला रहे हैं जैसे आप चाहते, बिकॉज अब आप क्रिएटर की एनर्जी में आ गए हैं, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, जस्टिस को हमने क्लेरिफाई किया है लवर, जी हाँ प्यार मिला है, जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है आपके साथ, या फिर ये लग रहा है कि हाल ही में आपके आपके लवर के साथ कोर्ट मैरिज करने की बात चल रही है, या फिर ये बात हो सकती है आपकी। पेज ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है, यहाँ पे हीलर है कोई जिसने अपनी काफ़ी हीलिंग कर ली है, आपके लाइफ में बहुत प्रेजेंट लाइफ में एक चीटर से और कोई स्पेल कर रहा था उसके ऊपर अपने अपने अपना विजय पा लिया या फिर उसको आपने ख़त्म कर दिया है क्योंकि आप भी किसी से हीलिंग ले रहे हो। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो इमेच्योर आपको लगता है, उम्र में छोटा है, जिसके ऊपर आपको शक नहीं है बट आपकी इंट्यूशन बोलती है,
तो उस पर्सन की एक एविल आपके ऊपर हमेशा रहती है। ये पर्सन अंदर ही आपसे एक हिडन इंटेंशन लेके बैठा है, चीटिंग के एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में आया है। अगर आप इंटीट्यूली इस पर्सन के, अगर ये आपके ही पर्सन हैं जो आपके साथ आए एक चीटिंग के एनर्जी के साथ, इनके गलत इंटेंशन के साथ, गलत हिडन इंटेंशन के साथ, और ये कहीं ना कहीं इंटीट्यूली आपको पता है, तो आप भी काफ़ी सचेत रहेंगे, काफ़ी एक्टिव पैशनेट मोड पे आप खड़े हैं कि बिकॉज यू आर रेडी टू डील ईच एंड एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। अभी कितनी भी हैवी टॉक्सिक कार्मिक ब्लैक मैजिक वाली क्यों ना हो, या तो आप खुद एक हीलिंग की पावरफुल कंट्रोलिंग एनर्जी में आ गए, या फिर आप किसी से ये सहायता ले सकते हैं। ये है आपका प्रेजेंट। और आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी थी, एक बात एक मैसेज ये भी था कि आपके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी थी, फियर था, एंगर था इस पर्सन की चीटिंग की वजह से। तो हो सकता है हीलिंग कर करके आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और उस एनर्जी से आप निकल गए। लास्ट वाला मैसेज आप थोड़ा नीचे पीछे जाके देख लेना, जो पेज ऑफ हैंड्स को प्योरीफाई करा था, हाई प्रिस्टेस डेविल इन रिवर्स एंड बॉटम द डेक सेवन ऑफ सोर्स इन रिवर्स था। ओके आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का फ्यूचर कैसा रहेगा। यहाँ पे डेविल की बात बार बार आ रही है गाइस, तो कोई आपको लगातार विलय दे रहा है जिसके ऊपर आपको शक नहीं है। फाइव ऑफ सोर्ड्स फ्यूचर में किसी से झगड़े करते हुए दिख रहे हैं। हर्मेट आइसोलेशन मोड। फोर ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस एंजाइटी सेपरेशन, सब खत्म हो जाएगी। हेल्थ इश्यू चल रही थी, लंबे समय से आइसोलेशन मोड चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। न्यू बिगनिंग लाइफ में आ रही है सन के अबंडेंस के साथ, प्यार मिलने वाला है, स्ट्रांग बनने वाले हैं आप। काफ़ी अपने लिए डिफेंसिव रहेंगे, अपने लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, बट यहाँ पे नज़र रखना कोई किसी के एविला है, जैसे कि इसके पर ही कतर दे, इसके पर कोई छाट दे। बहुत बड़ी उड़ रही है, बड़ा उड़ रहा है, चलो इनके पंखे झाट देते। ऐसे गलत इंटेंशन के साथ कोई आपका अपना ही बैठा है जिसके ऊपर आपको शक नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर आपको कोई डाउट नहीं जा रहा है। हो सकता है यही निगेटिव एनर्जी आप दोनों में झगड़ा लेकर रही है, आप दोनों में सेपरेशन ला रही है, दोनों को आइसोलेट कर रही है, बट अंत में इन सारी चीज़ों का निपटारा होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि सन आया है तो सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी पावर भी मिलेगी, और इतने स्ट्रांग आप हो जाएंगे कि खुद के लिए स्टैंड लेना आपको एक पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे। जी देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं, और हो सकता है झगड़े सॉर्ट कर लेंगे आप, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हर झगड़े हर डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। शब्दों की बड़ी ताकत, शब्दों की बड़ी कीमिया आप करने वाले हैं आगे चलकर। जब आप क्रिएटर की एनर्जी में आते हैं ना, तब शायद आपके लिए सारी समस्या बिल्कुल छोटी लगने लगती है। बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आप आते हो मुझे दिख रहे हैं फ्यूचर में। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, फोर ऑफ कप एंड यू नो पेंटेकल। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सिर्फ आपके करियर के ऊपर जाएगा, और आपके पर्सन को अगर अकेला रहना पड़ेगा, तो शायद ये एंजाइटी में जा सकते हैं आपके पर्सन। इनको स्ट्रेस हो सकता है, कुछ ऐसा मायूसीपन इनको लग सकता है, आइसोलेशन मोड। अगर आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आने के बाद अगर आप गलती से विक्टिम मेंटेलिटी में चले गए, पास्ट को कुरदने लग गए, अकेले रहने लग गए, आइसोलेशन में जाना अच्छी बात है, बट आइसोलेशन इन गुड वे जाते तो अच्छी बात है, बट विक्टिम मेंटेलिटी के साथ, निगेटिव माइंडसेट के साथ जाते तो चीज़ें काफ़ी बर्डन एंड पेनफुल होती हैं, तो वो फ्यूचर में आप करते हुए दिख रहे। तो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला नहीं रखना है, व्यस्त रखो। फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे, एट ऑफ कप। हो सकता है किसी का जाना, अब यहाँ पे ये बात भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करके, आप स्ट्रांग हो, आपको सहारे की ज़रूरत नहीं, ऐसा हम करना डिम करना तम करना बोलकर आपके पर्सन आपसे झगड़ा कर जा सकते हैं। उसी बात को लेकर आप आइसोलेशन मोड में रहेंगे,
आपको एक रिजेक्टेड फील करेगा, आप रिग्रेट होगा, आपको बहुत मायूसी आप में आ जाएगी शायद आपके पर्सन के जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में रह के कुछ मिल ही नहीं रहा है, इस रिलेशनशिप का कोई वजूद ही नहीं बन रहा है, इसका कोई स्टैंड ही नहीं हो रहा है, तो आप जाएंगे, आप खुद ही इस रिलेशनशिप से जाते हुए दिख रहे हैं, लीव करते हुए दिख रहे इस रिलेशनशिप से, बट बहुत पेन आपको मिलने वाला है। हेल्थ इशू आपके हो सकते हैं लंबे समय से, और अगर किसी के लंबे समय से हेल्थ इशू चल रहे थे तो वो शायद बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे, और पुराने बीमारी वापस किसी को मिल सकती है, उससे निकलने के लिए टाइम थोड़ा लगेगा, बट ये भी जाएगी। इमोशनल वॉकआउट करते हुए दिख रहे आप, क्योंकि आपके पर्सन की ओर से चीज़ें कुछ निगेटिव हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, जो आप कर सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें रहेंगी। एक प्लानिंग के साथ, फिर एक एम्बिशियस प्लानिंग के साथ आप खड़े हो जाएंगे। सन को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, सन को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे मून एंड फाइव ऑफ वैंड्स, नॉट ऑन द रेक मीन ऑफ पेंटेकल। यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के कारण झगड़े हो अगर आप दोनों में चल रहे थे, जिसको आपके पर्सन छोड़ नहीं सकते, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में उनका ओहदा काफ़ी स्ट्रांग है, पावरफुल है, और उनको वो छोड़ नहीं सकते, उल्टा उनका कहा सब मानते हैं, और इस बात को लेकर आप दोनों में बहुत झगड़े हुए थे, या तो लोग बहुत जलते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं वो पर्सन काफ़ी मनी माइंडेड है और उनका पैसे के बारे में सिर्फ सोचते हैं। बट ये सारे जो झगड़े थे, फसाद की जड़ थी, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये वही पर्सन है जो हमेशा आपसे झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, तो वही पर्सन आपको वापस मिलता हुआ दिख रहा है। वजह कोई भी है, अगर मैरिड है तो बच्चे, दोनों सिंगल हैं तब भी ये पर्सन आपके साथ जुड़ते हुए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए दिख रहे हैं। जो रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे थे उनको सॉर्ट कर लेंगे ये। फुल की एनर्जी क्या है इधर? फुल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के साथ आ जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जैसे कि आप तैयारी रहेंगे, कोई भी दिमाग लगाएगा तो उसको तो मैं अच्छे से दिमाग लगाऊंगी। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटेकल्स, मुझे लगता है किसी को अबेंडेंस मिलने वाली है, वो भी फाइनेंशियल, इमोशंस, प्यार भी मिलने वाला है किसी को, फाइनेंशियल अबेंडेंस भी मिलने वाली है, क्लेमेट आई मीन। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। जी हाँ, मैंने बोला ना कि आप काफ़ी स्ट्रांग पावरफुल हो जाएंगे, झगड़े आप सॉर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा था उनको आप सॉर्ट कर देंगे। बट कभी कभी अगर आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा इगोस्टिक आपके पर्सन को लगेगा, तो जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं, तो पर्सन से आर्गुमेंट करते वक्त थोड़ा संभल कीजिएगा, क्योंकि या तो ये आपके पावर के आपके पोजिशन से ऑलरेडी जलते हैं, उसमें से आप सिंपल भी बात बोलेंगे तो उसको शायद हो सकता है बहुत बड़ा कर देंगे। सेवन ऑफ फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स एंड एम्पर, एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आप आ जाएंगे। किसी किसी के लिए शायद अगर ये रिश्ता किस काम का नहीं रहता है, इसको इस रिलेशनशिप का आगे कोई वजूद नहीं, या फिर रिलेशनशिप आगे नहीं जाता है और कमिटमेंट के नाम पर हमेशा झगड़े आपके साथ होते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग टफ डिसीजन आप खुद के लिए लेंगे, खुद के लिए डिफेंसिव रहेंगे, मीन्स अब आपके लिए जो स्टैंड उठाएगा उसके साथ ही आप जाएंगे। एक क्लियर माइंडसेट आपका बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह कि किसी ऐसे पर्सन से आपको ऑफर आ सकता है रिलेशनशिप का, जो आपको लग सकता है कि ये जो हेल्दी वेल्दी एस्टाब्लिश पर्सन है जिसके साथ आपका लाइफ काफ़ी सेफ है, मीन्स एक नया रिश्ता, एक सेल्फ एंड सेफ्टी एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल अथॉरिटी पोजिशन के साथ आता हुआ मुझे ऐसा पर्सन या फिर ऐसा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। किसी किसी को प्रमोशन भी मिल सकते हैं। डेविल की बात बताइए एंजल, डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्स। किसी फीमेल के लिए बोलूंगी कि किसी मेल के थ्रू आपके ऊपर कोई स्पेल किया जा रहा है, या फिर किसी मेल के लिए बोलूंगी कोई फीमेल आपके ऊपर स्पेल कर रही है और लॉन्ग डिस्टेंस से ये स्पेल चल रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है या तो, या फिर ये आपके साथ होगा, उसी की वजह से शायद आपके पर्सन आपको कोई शोर दे रहे, बात नहीं कर रहे, आपको डिटैच कर रहे हैं, आपसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं। हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, टेन ऑफ पेंटेकल, टू ऑफ सोर्स, और अगर ये कहीं और मैरिड है तो देखिए ये तो इनकी मजबूरी नहीं ख़त्म होने वाली, फिर वही उस रिलेशनशिप में मजबूरी में लटका हूँ मैं, नहीं आ सकता, नहीं कर सकता, बच्चे, फ्यूचर है, फैमिली, पेरेंट है,
बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, या तो बोलेंगे या तो खुद ही क्रॉस रोड पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एनर्जी की किसी के जाने की वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। कोई क्यों जाएगा, क्योंकि वो अपने ही लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, अपने फैमिली में अटका है, जो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, मजबूरन आप ही चले जाएंगे उस रिलेशनशिप से। कुछ टाइम के लिए आपको पेन होगा, बट उसके बाद जो अबंडेंस लेके आप आ रहे हो, अपनी लाइफ को जो ब्यूटीफुल कर रहे हो, तो वो सच में देखने लायक है। आपकी नेम फेम बड़ी बढ़ने वाली, बहुत प्रसिद्ध आप होने वाले हो, बहुत अबंडेंस आपको मिलने वाली है। क्या लेसन आपने सीखा है इस रिलेशनशिप से, अब ये टॉपिक पे देखते हैं। इस रिलेशनशिप से आपको क्या सीख मिली है। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल पे जाइए और मुझसे जुड़ जाइए। आखिर मेरे दर्शकों ने इस रिलेशनशिप से क्या सीख ली। फियर ऑफ चेंज, बदलाव करने से आप डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने ये चीज़ें करी तो जितना भी बचा है आपके लाइफ से वो सब कुछ चला जाएगा। कंफर्ट जोन में रहना आप पसंद करते हैं, भले फिर ये कंफर्ट जोन आपको लंबे समय से पेन दे रहा है, लंबे समय से एंजाइटी दे रहा है, बट आपको शेल से बाहर नहीं आना है। आप बाहर आने से, इनिशिएट करने से बहुत डरते हैं। आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए इस लाइफ में। आपको अडाप्ट करनी चाहिए सिचुएशन और उसको एक्सेप्ट करते हुए, जो बदलने की जो डिमांड की जा रही है सिचुएशन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, उसकी तरफ आपको रुख करना चाहिए। अपने लाइफ को ग्रोथफुल बनानी है आपको, नए नए आपको एक्सपीरियंस एम्ब्रांस करने हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये चीज़ें, कैसे कर सकते हैं आप अपने लिए? ऐसे लोगों से सपोर्ट मांग सकते हैं जो सच में आपके बदलाव के फेवर में है और आपके एक वेल विशर है। इनसे चीज़ें आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकते, आपके मन से फिर भी फियर नहीं जाता है, तो काफ़ी वर्कशॉप होते हैं, काफ़ी कोचिंग होती है, ये अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, खास करके मेंटेलिटी को लेकर, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्रिस्टल कौन से पहनने हैं, लैब्रोनाइट, एमेजोनाइट, एंड्रोनाइट, ये क्रिस्टल्स आपको पहनने हैं। और ऑयल आपके लिए फ्रैंकिंसेंस ऑयल जो है ना, वो सिटाडर वुड एंड फ्रैंकिंसेंस, ये ऑयल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। मींस क्या, ये ऑयल आपको कहीं भी मिलते हैं ना, तो आप उनको लेना और उसकी दो बूंद लगा देना, सोते वक्त हो या फिर दिन भर जाते वक्त, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। आप क्रिस्टल के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्रिस्टल भी रेकी हीलर हूँ, मैं तो उनको चार्ज करके मैं देती हूँ। दूसरा क्या लाइफ मैसेज है, बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ। मैंने वही बोला था, अगर आप फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके पर्सन को ऐसे लग सकता है कि अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनका उस माइंडसेट में जाना भी एक रेड फ्लैग हो जाता है रिलेशनशिप में आपका। ये शायद पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, तो आपको वर्क एंड पर्सनल लाइफ दोनों को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, अपने एम्बिशंस, अपने महत्वाकांक्षा को फॉलो करता है, जिसमें शायद रिलेशनशिप, इमोशंस, इस चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देता है, या फिर उनके बारे में बहुत रेयर और बहुत कम सोचता है। तो इस इम्बैलेंस के वजह से भी आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स काफ़ी आते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना, क्योंकि बातें कब ऐसी होती है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कि इतने समय इतना देना है, फिर पर्सनल लाइफ के लिए भी देना है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि आपको कुछ बाउंड्रीज बनानी आनी चाहिए कि वर्क को कहाँ तक लेके जाना है और पर्सनल लाइफ को कहाँ तक लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो जब तक आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके उन दोनों चीज़ों में अच्छे से बाउंड्री नहीं सेट करते, तब तक चीज़ें आपकी ऐसे ही ख़राब रहेंगी। तो क्या वीकनेस रहेंगी, आप हमेशा स्ट्रेस लेते हो और पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हो। जब आपके पर्सन का ध्यान आपसे हट जाता है, बिकॉज उनको आपसे कुछ नहीं मिलता है, तब आपको होती है स्ट्रेस, तब होती है आपको एंजाइटी, तब आप जाते हैं विक्टिम मेंटालिटी में, जो आपको पहले ही डुबाने के लिए बैठी होती है। इसके लिए भी काफ़ी वर्कशॉप होते हैं और कुछ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको अगेन यहाँ पे हर चीज़ के लिए ना, एमेथिस्ट एंड्रोनाइट, ये चीज़, सेलेनाइट भी आप ले सकते हैं, कि सेलेनाइट से काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, बैलेंसिंग के लिए चीज़ें काफ़ी पीसफुल फील होती है। एमेथिस्ट को अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे अवेकनिंग भी काफ़ी होती है, और चीज़ें हम टेक्निकली स्किलफुली देखना,
हम लोग बहुत आसान हो जाता है। ऑयल्स अगर मैं देखूँ तो लवेंडर, ये ऑयल आपके लिए बर्गमेट एंड लवेंडर, ये चमोमाइल लेवेंडर बर्गनर, ये ऑयल आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चीज़ें क्या, इस लाइफ का लेसन क्या है। तो गाइज, इम्पेंडिंग रिटायरमेंट चीज़ें क्या है ना कि शायद किसी ने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं करी है लाइफ की। कोई यहाँ पे वो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है कि जिसकी रिटायरमेंट हो गई है और शायद फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद सरवाइव करने के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे, क्योंकि ये कोई प्रॉपर प्लानिंग की नहीं, या फिर इनके इन्होंने शायद अपना जो फाइनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के और लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए लगा दी थी। कोई फ्यूचर का, भविष्य का कोई प्लानिंग करके कोई यहाँ पर सेविंग नहीं की गई थी, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग चीज़ों को झेल रहे हैं। रिटायरमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की या फिर पैसे के ऊपर पैसा ऐसे लेने किया क्योंकि आपको हमेशा लगता था कि लॉस तो नहीं हो जाएगा, अनसर्टेनिटी आपको हमेशा रही है, इसीलिए आपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया नहीं ठीक से, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। मून स्टोन पहनना है आपको, लैप्रोडाइट एंड लेपिडोलाइट आपको पहनना है, और अगेन ऑयल में वही है, फ्रैंकिंसेंस लेवेंडर एंड पेचोली। ये ऑयल्स आपके लिए हो काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर आपके लिए 7 हो सकता है, यहाँ पे और ज़्यादा मैसेज है, तो ये चीज़ को भी आपको फॉलो करनी है। मुझे लगता है ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले ना, उनका फाइनेंस किस कारण गया है, लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, जिसको लगा उतना वो पैसा दे देना और खुद के बारे में न सोचना, तो इन चीज़ों की वजह से आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ों पे खामियाजा भुगतना पड़ा है। किसी का नेचर काफ़ी सीक्रेट रहा है, भाप नहीं पाए हैं आप, तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लमेटिक रही हैं। तो ये इन बातों को अगर आप अभी भी ऐसे हैं तो आपको ये इन चीज़ों को छोड़ने, क्योंकि पास्ट लाइफ में इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ी है। इंटीट्यू हैं आप इस लाइफ में, काफ़ी एनालिटिकल है, वाइज हैं आप, और आपके इंसाइटफुल भी काफ़ी स्ट्रांग है। आप क्या क्या बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं। यहाँ पे जिनका लाइफ पाथ 4 है उनके लिए बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ का मैसेज दिया था, हो सकता है उनका लाइफ पाथ नंबर 4 है। और आप में क्या करेक्टरिस्टिक्स आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो ना, ये लविंग केयरिंग आपका अगर आज भी नेचर है तो ये चीज़ें, या ये नहीं है करेक्टरिस्टिक्स आपको अपने अंदर लानी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कि पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस है, मीन्स लविंग केयरिंग रिलेशनशिप वाली वो जो एनर्जी है ना, उससे डिसकनेक्टेड थे, तो आपको इस लाइफ में उनको कनेक्टेड रहना है। और इस लाइफ में अगर आप ऐसे हो तो क्या है ना कि चीज़ें आप और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लोगों के लिए, और खुद ही सेक्रीफाइस करते हैं सब बैलेंस होने के लिए। अभी सेक्रीफाइस फिर से फाइनेंस के एंगल से हो रहा है, तो फिर चीज़ें गलती हो रही है, और इमोशंस के वजह से हो रहा है तब भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का मैं बोलूँगी कि शोषण हो रहा है। फियर ऑफ चेंजेस जो मैंने बोला था यहाँ पे 44, 45, 46 नंबर भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 22 ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे हैं। फियर ऑफ चेंजेस, बदलाव के लिए डरना, ये आपका लाइफ लेसन है इस लाइफ का। और आप एम्बिशियस काफ़ी है बट बदलाव लाने से डरते हो, आप नहीं करते, आपकी चीज़ें प्रैक्टिकली से बहुत दूर होती है, क्योंकि आपको उसके लिए शेर से बाहर आना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पा रहे, तो इनके ऊपर काम करना है। लाइफ में अगर सक्सेसफुल चाहिए, क्वालिटीज़ आपके पास्ट लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग थी, जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 है उनके लिए मैसेज हो सकता है। आपकी वीकनेस ये रही कि आपको और ज़्यादा पावरफुल, और ज़्यादा पावरफुल या तो इस लाइफ में बनना है या तो पास्ट लाइफ में आप थे। काम बहुत करते हैं बट बदलाव लाने से डरते हैं। तो ये हो गया आपका लाइफ लेसन क्या है। अब एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए मैं देखती हूँ। हो गई मेरी 1 घंटे की रीडिंग आज की। डे एंजल, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे? यस, हाँ जी,
ग्रीन सिग्नल मिला है, नो नीड टू वरी, जो जैसे बोला है वैसे किया है। अगर आपको पास्ट लाइफ पे ज़्यादा डिटेल रीडिंग चाहिए तो बोल देना, हम पूरा पास्ट लाइफ पे ही जाएंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, या तो वीक या तो लगभग साफ। थोड़ा वेटिंग जोन बड़ा है, अब वेटिंग वेट करना पड़ेगा, बट कर लीजिएगा, फेवर में चीज़ें आएगी इन द नियर फ्यूचर एंड आज फॉर द अदर्स। किसी से गाइडेंस हेल्प ले सकते हैं, उन्हीं पर्सन से जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिनके ऊपर आपको भरोसा है और आपको लगता है कि यहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगी। गलत पर्सन से जाने से, गलत सलाह लेने से शॉर्ट हुई हुई चीज़ें भी गलत हो सकती हैं ना, बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला रिकवरी होगी आपके लाइफ में। हेल्थ को लेकर कोई परेशानी, फाइनेंस को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, हर मामले में रिकवरी होने वाली है। यहाँ पर यस भी बोल दिया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से लगभग साल भर का समय ले लो, थोड़ा वेट कर लो, फिर इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, रिकवरी होगी। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगेन जनरल कलेक्टिव रीडिंग थे गाइस, यहाँ पे सबके लिए रीडिंग होती है, तो जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग देखनी है, और जिससे हम अलर्ट हो जाए और हम चीज़ें और ज़्यादा डीपली समझने की हम समझ पाए। तो अभी करती हूँ रीडिंग को एंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।